गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सेवेंथ, एक्सरसाइज 3.2. अब देखिए, नंबर लाइन पर हमें शो करना है 3.2 में. तो सबसे पहले आप स्केल लेके एक सीधी लाइन खींच लेंगे, ये हो जाएगी 1/3 करना है. तो देखिए, ये जीरो से नंबर लाइन जीरो शुरू होता है, इधर पॉजिटिव होता है 1, 2, 3, 4. इस तरीके से पहले नंबर लाइन आप सीख लीजिए, फिर इसी तरीके से इधर क्या होता है -1, -2, -3, इस तरीके से होता है. तो चलिए, नंबर लाइन पर हम क्या करेंगे, जो 1/3 होगा, एक लाइन हम खींचते हैं सीधी, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन पर ये हमारा हो जाएगा जीरो. और देखिए, ये पॉजिटिव है तो हम इस साइड चलेंगे, यहाँ हम मानते हैं 1, इसी के बीच में यह होगा 1/3. तो देखिए, डेनोमिनेटर कितना है 3. तो देखिए, यहाँ से हम लाइन खींचेंगे 1, 2 और ये 3, ये 3 लाइंस होंगे. और इसमें देखिए, इसके बाद 1, 2, 3 लाइन खींचा गया. अब 3 लाइन में 1, 2, 3. तो देखिए, तीनों लाइन में पहला वाला क्या है, ये है, यही हमारा हो जाएगा 1/3. हो गया, बस यही करना है आपको. क्या करना है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन का खींचनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जीरो के बाद से 3 लाइन खींचनी, 1, 2, 3, यहाँ तक लेकर के इसको छोड़ करके 1, 2, 3 लाइंस खींचा. 3 में न्यूमरेटर हमारा कितना है, न्यूमरेटर है हमारा, डेनोमिनेटर का मतलब उतनी लाइन खींचनी है, जीरो के बाद 1, 2, 3 इक्वल डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, 3 लाइन खींच देंगे, और पहली वाली जो लाइन होगी वही 1/3 होगा, ये हमारा आंसर होगा, इसी तरीके से बनेगा. नेक्स्ट देखिए, 2/7, बी नंबर देखते हैं, 2/7. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जीरो मान लेंगे, और ये पॉजिटिव में है तो यहाँ हम मान लेते हैं 1, इसको हम 1 मान लेते हैं. तो यहाँ से लेकर के हमें कितने लाइंस खींचनी है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7, 7 लाइन है. सेकेंड वाली लाइन देखिए, न्यूमरेटर कितना है 2, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/7. इसी तरीके से आप करेंगे. देखते हैं एफ नंबर, देखते हैं एफ नंबर कितना है, -1/3. तो देखिए, सेम चीज हमें करना है, यहाँ हमारा जीरो हो गया, निगेटिव है, निगेटिव नंबर इस साइड चलेंगे, यानी लेफ्ट साइड. तो देखिए, यहाँ से हमें 3 लाइन खींचनी है, 1, 2, 3, ये हो गया हमारा 1, ये ऊपर वाला जो है 1, 0 से 1, ये हमारा 1 होगा, और पहली वाली जो लाइन होगी वही -1/3 हो जाएगी. सिंपल है, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए 12/-12/7. तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 7, 5 × 7, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं. यानी देखिए, यहाँ से हमारा ये हमारा हो गया जीरो, जीरो के बाद 1 तक तो वैसे ही कंप्लीट है, और 2 यहाँ मान लेते हैं, यानी 1 और 2 के बीच में पड़ेगा, तो 1 हमारा क्या हो गया, यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 5/7, यहाँ से लेकर के 7 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया. तो 5th वाली लाइन जो होगी 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 होल, या -12/7, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये वाला होगा, ठीक, ये वाला होगा, ये -12/7 होगा. नीचे भी लिख सकते हैं आप, चाहे जैसे लिख, -12/7 यही होगा.
इस तरीके से बनाएंगे, स्केल लेके बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, इसमें क्या करना है, विच ऑफ द टू रेशनल इज ग्रेटर, 5/6 और 0, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 5/1। अगर इसका इसका मल्टीप्लाई ग्रेटर आया तो ये वाला बड़ा होगा, पहला बड़ा होगा। अगर इसका इसका मल्टीप्लाई अगर बड़ा होता है तो देखिए 5/1 हो गया, और 6 क्रॉस मल्टीप्लाई आप करिए, ये 0 होगा। तो 5 बड़ा होता है कि 0, 5 बड़ा होता है, यानी 5/6 क्या है, ग्रेटर है, क्या है, 5/6 इज ग्रेटर। इसी तरीके से देखिए -3/5 और 0, देखिए 2 है इसको हम, तो 3/-3 हो गया, और 5/0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। तो 0 बड़ा होता है, -3 छोटा होता है, आप सब जानते हैं, -1 छोटा होगा, 0 बड़ा होगा, -5 छोटा होगा, 0 बड़ा होगा, -5 छोटा होगा, -1 बड़ा होगा। निगेटिव नंबर में हमें ये ध्यान देना पड़ता है। तो क्या कौन सा बड़ा होगा इसमें, इसमें बड़ा होगा हमारा 0, 0 जो होगा वो ग्रेटर होगा। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन डी नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर डी, डी में क्या करना है, 7/9 है और क्या है, -5/9 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7/9 63 और 5/9 45, वो भी माइनस में, तो कौन सा बड़ा होगा, 63 बड़ा होगा, यानी 7/9 क्या होगा, बड़ा होगा। आप ऐसे ही बता सकते हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखिए 13/3 39 7/6 42, यानी ये वाला बड़ा है, ठीक, आप ऐसे ही बताओगे। इसमें देखिए 3/7 ये 39 42 होगा, ये दोनों क्या है, इक्वल है, कैसे इक्वल है देखिए, अगर 7 से इसको डिवाइड कर दें तो 7/5 और 7/13 तो दोनों इक्वल होंगे। इसमें कौन सा बड़ा है, -13/5 ग्रेटर होगा, इसमें ये ग्रेटर होगा -2। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सा ग्रेटर होगा, ये 16 हो रहा है, 15 हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, डी में ये ग्रेटर होगा। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। इसमें देखिए ये वाला ग्रेटर होगा, क्यों, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में। तो अब देखिए 2/5 है, 7/10 है, 8/13 ये इस तरीके से है, 2/5 7/10 8/13 13/30। पहले आप इन सब जितने डिनोमिनेटर हैं सबके क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। अब सबका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं हम, 2/5, अब देखिए 5 को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच रहा है 78 का ऊपर और 78 का नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2/5 क्या हो जाएगा, 2/5 को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 8/2 16, 2/8 16 और 2/7 14 156/40, सेवेंटी एट का यहाँ भी कर देंगे, 5/8 40 4 कैरी हुआ, और 5/7 35 और 4
35 और 4 39, 390 हो गया, ये 156 हो गया। इसी तरीके से 7/10 को मल्टीप्लाई किसके करेंगे, 26/26। देखिए इसमें 39 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 39 से, क्यों देखिए 5 2 10 हो गया, 13 3 39, 39 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 का मल्टीप्लाई इसमें किया 273/390, 8/13, 13 को छोड़ दिए, 5 2 10 और 10 3 30, 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए 240/390। इसी तरीके से 13/30, 13/13, 13 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए 179 हो गया, 390। देखिए नेम डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, तो सबसे छोटा नंबर देखिए, अब हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 156 दिख रहा है ना, 156 किसका आया है, 2/5, ये सबसे छोटा है। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, 179 यानी 13/30। फिर देखिए उसके बाद न्यूमरेटर केवल देखिए, ये 156 था, 179 था, 240 मतलब 8/13, और सबसे जो बड़ा बड़ा है, सबसे ग्रेटेस्ट है वो 7/10 है। ये हमारा आंसर हो गया, अगर इसी को ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया गया तो आप सबका एलसीएम, जितने भी डिनोमिनेटर सबका एलसीएम लिया, फिर उसको 390 एलसीएम आया, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि 390 सब में आ जाए, मतलब एलसीएम के बराबर आप सबका डिनोमिनेटर करिए, फिर चेक कर लीजिए जिसका जो जो जिस अनुसार है, 156 सबसे छोटा था तो ये नंबर सबसे छोटा है, ऊपर वाला देखिए न्यूमरेटर भर देखिए, ठीक। इसी तरीके से ये हमारा आंसर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कहता तो हम इसी का उल्टा लिख देते। अब इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन करिएगा, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and -3 and -2, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 रेशनल नंबर लिखना है -3 और -2 के बीच, -3 and -2 के बिटवीन, बीच में लिखना है हमें, क्या लिखना है, 5 रेशनल नंबर्स लिखना है। तो बहुत ही आसान है 5 रेशनल नंबर लिखना, 5 रेशनल नंबर आपको लिखना है तो देखिए, -3/10 कर लीजिए, -2/10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 10 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया है, 10 यहाँ भी, यानी ये क्या हो जाए गया, देखिए कैसे कर रहे हैं ये भी देख लीजिए, -3/1 इसको लिख सकते हैं, इसको -2/1 लिख सकते हैं, 10 का ऊपर 10 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -3 क्या हो जाएगा, 30/10, और ये कितना हो जाएगा, -20/10, तो इसके बीच का लिख सकते हैं -20/10, -22/10, -22/10, -23/10, -25/10, 24/10, 25/10, माइनस में सभी रहेंगे, इस तरीके से हो गया, लिख सकते हैं
इसी तरीके से आप सेवेंथ नंबर करिएगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।